हाय फ्रेंड्स, मु लोकनाथ। एबे मु अछि गुमा पाखरे थिबा एक नर्सरी पाखरे। रायगड़ा टू यहाँ गोटे 10-15 किलोमीटर रास्ता मध्य अछि। एटी गोटे ग्रीन हाउस मु बहुत थर ए रास्ता दे जिबा आसिबा करजी, किंतु केबे आसिनि ए भीतर को। काहेकि मु भावुथिली काले तांगर रेस्ट्रिक्शन थिबो बोली भावुथिली, किंतु आसिला परे कहली सार टिके भिडियोटे करबि आपन फार्म रो। से कहले हाँ निश्चित करंतु, आउ आपन भिडियो कले ही आमर कस्टमर बढ़िबे। किंतु बहुत अच्छा बहुत लोग गुड़ाक जो मैंने कि एमती फ्रीडम देवे बहुत खुशी लगला। तो ये मुझे फार्म में किपर चारा प्रस्तुति करंब चारा कमला चारा ये मिलू। ये आंब चारा गुड़ाक मात्र 50 टाँचा कलमी चारा गुड़ाक एठू नहीं कि रायगड़ा जदि सेपटे आप रायगड़ जेके मध्य गोटे अच्छी नर्सरी एठू नहीं कि सी डबल रेट मान 100-150 टकर बिकुचन। तो चलो देखिबा एही नर्सरी रे किपरि आंबो एवं कमला चारा प्रस्तुत करुछन्ते। फ्रेंड्स, एही नर्सरी टी रायगड़ा कोरापुट रास्ता रे रायगड़ा थारु 10-12 किलोमीटर गला परे गुमा पाखा पाखी रास्तार बामो पास परे अछि। एही नर्सरी रो मालिक हेउछन्ति रायगड़ा जिल्लार काशीपुर अंचलर, एवं काशीपुर रे मध्य तांकर आउ एक एपरि नर्सरी मध्य अछि। एही नर्सरी रे उत्कृष्ट किस्म हाइब्रिड आंब चारा सहित कमला चारा उत्पादन करा जाए, एवं प्रत्येक चारा रो दाम मात्र 50 टंका। यह नर्सरी टी प्राय पखापाखि 1.25 हेक्टर बा 3 एकर्स जमीरे तैयारी होई, एवं यह केते एरिया रे अछि आपण माने देखि पारथिबे। एठि जो ए लोक माने काम करछन्ति एमाने होइछन्ति नागपुर महाराष्ट्र अंचल रो। एमाने एही नर्सरी कॉन्ट्रैक्ट नै छन्ति। तो चलतु तांगे कथा एवं जानवा या किपर से मैंने कलमी करूँ पारिश्रमिक के सहित तो जानवा एपरी एक नर्सरी करने द्वारा जड़े किपर एवं केते लाभवान हो पार। हिंदी 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 जो लगाए जो अभी क्या लगाए? ऑरेंज 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 का ये बस ठीक है। ऑरेंज बडिंग चालू है, उतना डाल देने से वो हो जाएगा। हाँ, 21 डेज के बाद में इसको भी पट्टी आएगा ऊपर से। 21 डेज के बाद में इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा, पूरा खत्म हो जाएगा। काटा खत्म हो जाएगा इसका। जो निकलेगा आप जो दे रहे हो वो निकलेगा? वो निकलेगा, उसमें निकला हुआ है कुछ, उसका भी वीडियो ले लेना। निकला हुआ इतना इतना हो गया। हाँ हाँ, ये जो आप जो दे लगा रहे हो ये कहाँ से लाए हो? ये सर के वहां से नर्सरी चला है। मतलब खेत में उनके पेड़ है ना, वो हाइब्रिड वाला है। हाँ, ऑरेंज का पेड़ है उनके यहाँ। हाँ, नागपुर की नर्सरी में से लाया था। हाँ, नागपुर से? हाँ, नागपुर से लाया था। वो पेड़ है उसका भी वो बस्टिक निकाल के लाया हमने। अब उसका बडिंग करेंगे तो वो भी प्लांट वही हो जाएंगे। 21 डेज के बाद में कटिंग करना पड़ रहा जैसे कटिंग वो जो पॉलिथीन जो लगा रहे हैं। हाँ, पॉलिथीन पहले पॉलिथीन निकालना पड़ता है। हाँ, फिर उसके बाद में इसको कटिंग करना पड़ता है। मतलब आप जो जिसमें ये छिलका लगा रहे हो वो पॉलिथीन बांध बांध के आ रहे हैं? पॉलिथीन बांध रहा हूँ। फिर इसको कट कर दिए तो ये क्लियर में बाहर निकल जाता। जो आप जो छिलका जो ये इम्पोर्टेड है ना? ये इम्पोर्टेड है, और ये इसको पानी वाली से बचाव के लिए है। फिर वो उसमें ट्रेन फिट हो जाता है, लकड़ी उसको एक कर लेती है, पूरा खाना पीना सब मिलता है उसको। पर मेडिसिन वगैरह कुछ यहाँ पे डालते हो? हाँ, मेडिसिन डालते हैं बाद में। बाद में 21 डेज के बाद में। ओ, ये जो आप कपड़े में ये लेके आए हो? हाँ, ये तो बाहर का है। वहाँ का ये सर से आगे नर्सरी का काशीपुर से लाया है। ओ, काशीपुर से? क्योंकि वहाँ पे उनका नर्सरी है, नागपुर से लाया था। तो वो पेड़ है उनके पास में वहाँ पर। ये जितना पॉलिथीन बंधा है ये सब हो गया? नहीं, सब हो गया। इधर बाकी है, वो
उधर वो कट हो गया ऊपर का, और वो जो लेडीज लोग वो क्या गया, वो पहले हमने कटिंग कर दिया, उसको कट भी कर दिया, दिख रहा है आपको? ओहो, वो कटिंग हो गया ऑलरेडी, इसके पहले कटिंग किया था उसको। हाँ हाँ, इसके पहले मतलब एक महीना हो गया उसको अभी। हाँ कटिंग करके अभी वो निकल भी गया, आज संतरा का पेड़ निकल भी गया उसमें। इधर से इधर आती है, आई जैसी आती है, ये निकल गई है, ये निकल गई है, ये देखो वहाँ से निकल गई है। हाँ। निकल जाएगा सब भी। हाँ। ये सब जगह भी ये ट्राई होगा, ये देखो निकल रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो उतार गया, इसको अभी मेडिसिन हो जाएगा सब। हाँ हाँ। हो गया तो ये कपाड़े से निकलेगा। हाँ। अभी इसको ये सफा हो गया तो इसके बाद में इसको मेडिसिन। कितने दिनों के बाद आप बेच सकते हो इसको? इसको अभी एक साल के बाद में इतना बड़ा हो जाएगा, एक साल तक बेच सकते इसको आप। मतलब अभी निकलेगा तो एक साल में इतना बड़ा हो जाएगा, फिर उसकी बिक्री कर सकते आप। बिक्री करेंगे तो वो जो अंदर है वो सब वो रेडी है, मतलब वो वैसा उत्तम हो जाएगा, उतना बड़ा हो जाएगा तो आप बिक्री कर सकते हो, उसको या पॉलिथीन में डालो या कभी भी बेचते रहो सकते। और हमारे पास खुद का नर्सरी है तो हमारे तरफ सिर्फ ज्यादा ये है कि ऑरेंज संतरा और मौसमी लींबू ये तीनों चलता है, इसलिए हम उस तीनों की नर्सरी करते हैं। अभी हमारे पास में 1,00,000 नर्सरी है, एक लाख साल का हम पौधा बनाते हैं, बनाते भी है और बेचते भी है, इसलिए हमारे पास से भी लेते हैं ये पौधे बिक्री के लिए। अमरावती है डिस्ट्रिक्ट, हमारा वैसे अमरावती है लेकिन हमारा गांव जो सेंटर में है तो वहाँ से नागपुर भी उतना ही है 100 किलोमीटर और अमरावती भी 100 किलोमीटर बीच में है। हम आसाम का भी काम करता है, आसाम तारीफ का पूरा और पूरा घूम घूम के। हाँ, वो इधर जहाँ से हमको ऑर्डर आती है हम वहाँ पे बडिंग करने जाते हैं। मतलब ये कैसे आप पेमेंट कैसे लेते हो? पेमेंट इसका आधा पैसे पहले अभी मिलता है, 5 रुपये भी मिलता है बडिंग के बाद में। हाँ। कटिंग करके देते हैं तो क्लियर हो जाता है तो 5 रुपये बाद में मिलता है, मतलब एक पेड़ का 10 रुपये लेता है बडिंग का, पहले 5 रुपया उसके बाद 5 रुपये। हाँ। उसके बाद में फिर एक महीने के बाद में जब हम बडिंग कटिंग को आते हैं हाँ। तो कटिंग करेंगे हाँ। क्लियर करके देंगे आपको हाँ। 5 रुपये फिर हम चले जाएंगे, जबकि उतने दिनों में उसको फिर वाटर क्या देना है, स्प्रे वगैरह करना है, उतना चालू रखो, फिर हम आएंगे डायरेक्ट कटिंग को। वो पट्टी इनको खोलना पड़ता है, लेबर हो गया आपसे, पट्टी खोलना इनके तरफ रहता है, पट्टी खोलना हो जाता है इनका। फिर आए हम, हमने उसको कटिंग कर दिया, जो क्लियर है वो जो मर जाती है तो उसको छोड़ देते हैं, उसको डबल से बडिंग करते हैं, तो उसको जो उसमें की जो छूटा है मतलब जो फेल है तो उसको अभी बडिंग करेंगे। इतने जो फार्म आप जो ये कितने दिन का काम है अभी? ये अभी तो हमने ये इतना 15 दिन में कर दिया था, 15 दिन में कितने भी बेचो हमारा खत्म हो गया, वहाँ से खत्म, मतलब 10 रुपये हमने। और ये जो लेके आए थे आप वो कहाँ से? ये बस ठीक इनके पास से था, हो। जो हमने गांव से लाया था हमारे एनआरसी से राइटिंग में काम चालू करने के लिए, बस यहाँ से 70 किलोमीटर जाना पड़ता है, अब वहाँ जाते थे जब वो टाइम पे समझ लो लेबर बैठते थे यहाँ पर, इसलिए अब हमारे पास में एनआरसी का पेड़ था तो हमने उससे कुछ बर्ड ला लिया था, स्टार्ट कर दिया और हम 2 आदमी बर्ड्स के लिए गया, वहाँ से बर्ड्स लाए, जब तक कि हमारे ये बर्ड्स चले वो पेड़ भी देते हैं हम, मतलब वो बीज देते हैं, तो बीज पहले डालो तो उससे प्लांट निकलता है, वो देखो अंदर बीज दिखे आपको छोटे छोटे, इतना पेड़ दिखे अभी इतना ले वो बीज से ही बने हैं, वो पेड़ निकला कि पेड़ को 1 साल रखने के बाद में उसको दूसरे जगह पे सेट करो, फिर उसको बडिंग करो, ऑरेंज बन जाता है। ठीक है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं आपका कार्ड भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ फ्रेंड्स, इनसे बात करते करते अभी पानी बंद हो गया, नहीं तो मैं आपको सिंचाई दिखाने वाला था। ये देखिए, ये तो है काजू का पेड़, ये है देखिए कितना काजू का पेड़ भी है। जो भी पेड़ लेंगे यहाँ से आपको 40 से 50 रुपये में मिल जाएगा। आपने सुना इनको कितना खर्चा आता है एक पेड़ में। ये जो टेक्निकल पार्टी है ये सिर्फ 10 रुपये पर पेड़ लेते हैं, उसके बाद लेबर और बाकी का पाइप पानी बिजली वो आपका ही रहेगा। 40,000 का पेड़ है, अगर वो 10 रुपये पर पेड़ लिए तो 4,00,000 हो गया। आप अगर 50 रुपये पर पेड़ बेचे तो कितना हुआ आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इतना ही, अभी हम चलते हैं, शाम भी हो गया। ये नर्सरी रायगढ़ से सिर्फ 10-12 किलोमीटर आगे है बाएं तरफ। फ्रेंड्स बातचीत करते करते उन्होंने मुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया था, उसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ ताकि आप चाहे तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप ऐसे एक नर्सरी देना चाहते हैं तो। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ओडिशा का
ऐसे अनएक्सप्लोर लोकेशन का वीडियो में लाता रहता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, जय जगन्नाथ।